देश से निरक्षरता का साया हमेशा के लिए हट जाए, यही तो उद्देश्य है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। पर इस उद्देश्य को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले किसी भी जगह साक्षरता अभियान शुरू करने से पहले होती है प्लानिंग। बहुत सोच विचार कर फैसला किया जाता है कि कौन से जिले में किस वक्त साक्षरता अभियान शुरू किया जाए। कैसे किया जाता है ये फैसला? राज्य सरकार ये कोशिश करती है कि हर जिले में जो कि पिछड़े हुए हैं उनमें ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इसके लिए वो समय समय पर एक कार्यक्रम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें कि जिलों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जिले की स्थिति का अध्ययन करें और साक्षरता अभियान के लिए कार्यक्रम तैयार करें। इसके पश्चात जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं और समाज के जिले में जो भी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं या समाज सेवी लोग हैं, सब लोगों को एकत्रित करके उनसे इस बारे में सलाह मशवरा किया जाता है कि अपने जिले में किस प्रकार से साक्षरता अभियान जारी करने के लिए, चालू करने के लिए क्या कार्यक्रम, क्या प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। इसके लिए शुरू शुरू में यह बहुत आवश्यक होता है कि जिले में एक कोर टीम डेवलप की जाए और वह कोर ग्रुप इस कार्यक्रम को आगे ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर सब लोगों से परामर्श करने के लिए कन्वेंशंस, ग्राम सभा मीटिंग या ब्लॉक स्तर की सभाएं करते हैं और उसके पश्चात में वह ये निर्धारित करते हैं कि हमारा मुख्य रूप से कितना बड़ा समस्या का, कितना बड़ा, कितनी बड़ी समस्या है, कितने लोगों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसमें किस तरह से हम लोगों को प्रेरित करेंगे। इन तमाम सारे जो पहलू जो साक्षरता अभियान को चलाने में जरूरी होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना हर जिले को तैयार करनी होती है। इसी तरह अच्छी प्लानिंग के बाद शुरू हुआ था साक्षरता अभियान कालाहांडी में। कालाहांडी नाम आते ही चित्र उभरता है भूख से मर रहे लोगों का, रोजगार की तलाश में पलायन करते इंसानों का, बारिश के अभाव में बंजर में तब्दील होती जमीन का। दुखद है ऐसी वास्तविकताएं, पर सच्चाई भी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। देश का सबसे पिछड़ा राज्य उड़ीसा और उड़ीसा का सबसे पिछड़ा जिला कालाहांडी, सारी कहानी खुद ब खुद बयान कर देती है ये चलती फिरती तस्वीरें। और उस पर से ये आवाज कैसी? कौन है ये? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? चेहरे में छुपे सन्नाटे को क्यों भेदना चाह रहा है? क्यों एक अकेले कलाकार के गीत से लोग अपनी पीड़ाओं को भुलाकर झूम रहे हैं? वजह क्या है कि इनमें मधोशी का आलम छाया हुआ है? शायद इनके कानों में वो मधुर संगीत गूंज रहा है जो इन्हें लगातार एहसास दिला रहा है कि घबराओ मत, तुम्हारे सारे दुखों की दवाई मेरे पास है, इस कारण मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो होशियारी नहीं आएगी, होशियार बनोगे तो रोजी रोटी मिलेगी। भोले भाले गरीब लोगों का विश्वास जीतने के लिए महाप्रभु श्री कृष्ण का भी सहारा लिया गया। संदेश फैलाया गया कि श्री कृष्ण आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को साक्षरता कक्षा में आने के लिए। कहते हैं आसमान में भी सुराख हो सकता है यारों, जरा दिल से पत्थर तो उछालो। स्वाभाविक तौर पर नतीजा तो बेहतर निकलना ही था, कोशिश जो की गई थी दिल से। पर आगे बढ़ने से पहले क्यों ना जरा अतीत के झरोखे को देख ले, तब स्थिति और भी साफ हो पाएगी। कल की ओर जाते ही जिले का और भयावह चित्र सामने आता है। एक ऐसे जिले के रूप में जहाँ के लोगों में भूख से लड़ना एक नियति बन चुका है। ऐसे मुश्किल हालात में जब 5 साल पहले जिले में साक्षरता आंदोलन की मुहिम चलाने की सोची गई, तो शुरुआती प्रतिक्रिया निराश करने वाली थी। और देश के नौनिहालों की हाल तो पूछिए ही मत। खाने को अन्न के दाने नहीं, ढकने को तन पर कपड़ा नहीं, तो भला स्कूल जाना कैसे सूझेगा इन्हें? थोड़ा अटपटा जरूर लगा भूख से लड़ रहे लोगों के बीच साक्षरता की ज्योति जलाने में, पर इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं था। भूखमरी से लड़ना है, गरीबी को मार भगाना है,
तो जरूरी था लोगों को जागरूक करना ताकि फायदा उठा सकें वे विकास के कार्यक्रमों का, जान सकें देश के नागरिक के रूप में मिले अधिकारों को। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो किया गया वह ये था कि घर घर जाकर पहचान की गई कि अमुक घर में कितने लोग अनपढ़ हैं, वो भी केवल 9 से 45 आयु वर्ग के लोगों का ही। निरक्षरों की तादाद काफी बड़ी थी, करीब 8 लाख लोग निरक्षर थे। पुरुषों में साक्षरता की दर जहां 38.5% के लगभग थी, वहीं महिलाओं में ये दर 12.5% के आसपास थी। फिर काम किया गया पढ़ने लिखने का माहौल बनाने का, ताकि लोगों में उत्साह जगे अक्षरों की जादुई वर्णमाला के प्रति। दीवारों पर नारे लिखे गए, जुलूस की शक्ल में लोगों का कारवां गांव-गांव घूमा। संदेश था, साक्षर कालाहांडी, सुंदर कालाहांडी। जिले के आला अफसर से लेकर छोटे मोटे अधिकारी भी गांव गांव गए और जनसभाएं की। साथ में ये भी बताया गया कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ उठा पाएंगे। अब वापस लौटते हैं और देखते हैं आज के कालाहांडी को, जहां साक्षरता के जरिए आस जगाई गई है लोगों में। तभी तो दिख रहा है ना ये दृश्य, एक तरफ महिलाएं बैठकर किताबें पढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बेशक महिलाएं ओट में खड़ी हैं, पर इनकी आंखें देख रही हैं साक्षरता कक्षा के नजारे को। काम नजारे से तो चलने वाला नहीं है, न चलने वाला है नजारे के पीछे छुपे दास्तानों से। तो फिर देर किस बात की, तो सुनिए दास्ताने नव साक्षरों की जुबानी। गाड़ी मोटर पहचान लेते हैं, अकेले यात्रा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होती, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे का पता चल जाता है। केले के पौधे लगाए, 1200 से 1300 की हर हफ्ते आमदनी हो रही है। इन बेजुबानों को जुबान देने का काम जिन योद्धाओं ने किया, जरा उनकी बात भी सुन लें। हम उन लोगों को कुछ बताना नहीं पड़ता, उन लोग अपनी खुद ही सुख समझते हैं, टाइम पड़ने पर कुछ जाकर खरीद के ला सकते हैं, ऐसे कि कोर्ट कचरी जो भी सकते हैं, इसी तरह उन लोग जाकर कुछ समझा बुझा कर अपने आप ही खुद करते हैं, इसलिए मुझे बहुत खुश लगता है। ये जो हमारी लोग हैं यो मुझे बहुत अच्छा कहते हैं, इसलिए कि मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उन लोग भी कुछ सीख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। साक्षरता दल तक कोच कोच से दल गए अनोट नाट भी सीखी छो, गीत नाट्य, गीत नाट्य माध्यम भी लोग के देखो छो केंटा कर लोग पाठ पढ़े, पाठ पढ़ ले काना होई छे। हम गांव गांव जाकर लोगों में उत्साह पैदा करते हैं, हम चाहते हैं कि साक्षरता अभियान से ज्यादा लोगों को फायदा हो। देखी कर लोग उत्साह प्रदान करु छो, आस्ते आस्ते ये मन नहीं पढ़वार पढ़वार लगी आग्रह प्रकाश करु छो। वाकई में जिले में चल रहे साक्षरता अभियान से लोगों में एक नया आत्मविश्वास आया है अपनी समस्याओं से जूझने का। तभी तो बगैर किसी सरकारी मदद के लोगों ने आपस में मिलजुल कर साक्षरता सेतु का निर्माण करवाया है। खेतों में कीटनाशक दवाइयां डालते हैं, अखबार पढ़ती हैं महिलाएं ताकि देश दुनिया की खबर लग सके, अपना व्यवसाय भी करती हैं पैरों पर खड़ा होने के लिए। They are also trained on different skills. They are performing how to prepare chandua, how to prepare these handkerchiefs, how to prepare bamboo works. All these things is not small things. Now they are learning how to save money. There are about more than 1,000 self-help groups who are collecting money daily and saving much money. About 5 lakhs of money is now saved. We are hoping for a bank for these ladies. Now, Dokra, Trigym, all these things are linked with literacy. लगता है ना अब आपको भी एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, नई पहचान बन रही है, चारों तरफ फैल रही है साक्षर होते कालाहांडी की जगमगाती रोशनी। किसी भी अभियान की सफलता के लिए जरूरी बात होती है कि लोगों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये किताबें जो साक्षरता केंद्रों में प्राइमर्स के नाम से जानी जाती हैं। एक प्राइमर तैयार करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? सर्वे करने के बाद ये निश्चित किया जाता है
कि उनको किन किन लोकल कंटेंट्स क्या क्या उसमें डाले जाएं, उनमें कल्चरल बैकग्राउंड की बातें क्या डाली जाएं, वो किन किन वो किस काम में लगे हुए हैं, किन किन काम से उनको आमदनी होती है, उन सब कंटेंट्स को लेकर के डाला जाए। उससे उनको लगेगा कि वो किताब उनके लिए बनाई गई है। जब तक उनको ये महसूस नहीं होगा कि वो किताब उनकी है, वो उसमें अपनी छाया नहीं देखेंगे, उसमें अपने को नहीं परिलक्षित कर पाएंगे, तब तक वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए विषय के साथ साथ हम लोग उसमें जो चित्र बनाते हैं कवर पेज पर और कंटेंट्स के साथ साथ पाठों में जो चित्र बनाते हैं, वो भी उनकी कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। नहीं तो अगर हम नेपाल की किताब को इंदौर में ले जा करके पढ़ाने के लिए दें तो वो नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की किताब को तमिलनाडु में हम पढ़ाने की कोशिश करें तो वो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे ये तो हमारे लिए नहीं है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो उनका कल्चर, उनकी जरूरत, उनके काम, उनके पशु, खेती बाड़ी, सब बातों को ध्यान में रख करके रीजनल कंटेंट्स को हम लोग उसमें समाहित करते हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक शहर कहे जाने वाले इंदौर में और परिचित कराते हैं जिले में चल रहे साक्षरता अभियान से। पुराने जमाने का राजा रजवाड़ों का शहर आज जनता के नगर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इतने बदलाव के बावजूद इसने अपनी इस खास पहचान को आज तक संजोए रखा है, जिसका एक प्रमाण है प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ की साक्षरता दर अधिक होना, लगभग 67% के आसपास। सो अभियान में दिक्कतें भी कम आई और आई भी तो कुछ दूसरी तरह की दिक्कतें। जो भी साक्षरता अभियान में आती हैं वो उन लोगों की वजह से आती हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते, जबकि साक्षरता अभियान में जहाँ तक इंदौर ज़िले का सवाल है, यहाँ पर एक मुख्य जो साक्षरता समिति के लिए मुख्य चुनौती यह थी कि साक्षरता का प्रतिशत अधिक होने की वजह से जो लोग पूर्व से ही साक्षर हैं उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करना, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि जो लोग ऐसे हैं जो कि साक्षर नहीं हैं या किसी कारण से निरक्षर रह गए हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता को महसूस कराना और कुल मिलाकर उनको इस अभियान में जोड़ना। अभियान को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, नाम दिया गया जिला साक्षरता समिति इंदौर। इसी तरह की समितियों का गठन प्रखंड और ग्राम स्तर पर भी किया गया। दूसरे चरण में जोर दिया गया पढ़ने लिखने का वातावरण बनाने पर, क्योंकि इसी पर सारे कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। गली कूचे हर जगह साक्षरता के बोल ढोल मंजीरे के साथ गूंजने लगे। गाने सुनने के बहाने ही सही लोग जुटने लगे और जानने लगे पढ़ाई लिखाई से होने वाले फायदों के बारे में। मतलब यही था कि पूरे माहौल को आनंदमय बना दिया जाए जिससे निरक्षरों की रुचि लगातार बनी रहे साक्षरता में। लोक संपर्क अभियान के तहत मदद ली गई युवा शक्ति की। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जन जागृति के लिए खुद ही निरक्षरों के घर घर गईं एक सपना लेकर। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कर सके, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से थोड़ा बढ़ जाएं, क्योंकि इस साक्षरता इस एजुकेशन से उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट इन सब की, तो सारी साक्षर होने से सारी ये प्रॉब्लम दूर हो। जितना मुझ में है साक्षरता, जितनी मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं उतना ही उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बात की बात है कि इनका सपना पूरा हो पाता है या नहीं, मगर कहते हैं ना कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। कम से कम इन छात्राओं का स्कूली घेरों से निकलकर झुग्गी झोपड़ियों में जाना और ग्रामीणों को अक्षर रूपी मंत्र देना ही एक बड़ी बात है। Being the volunteers of teenagers to come to such an area where they don't have any touch and in such area where their drinking habits are there. Rowdyism, gundaism also is there. So to assure the security to them, to convince their parents, and to have a local support from here to have all sort of security to our volunteers, we have to take a lot of pains to convince the to have all the assurance from the local people. ऐसा नहीं है कि जिला साक्षरता समिति की पताका सिर्फ शहर और गांवों में ही लहराई, बल्कि इसका असर उन जगहों पर भी पड़ा जहां एक आम आदमी जाने की कल्पना तक नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं इंदौर केंद्रीय जेल में चल रहे साक्षरता अभियान की। सामान्यतः यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि जेल के अंदर भी कुछ सकारात्मक कार्य हो सकता है, मगर साक्षरता ने ये भी संभव कर दिखलाया।
कम से कम सजा काट रहे कैदियों की जुबान से निकले बोल तो यही कहते हैं। आज ये जेल में ही साबुन बनाते हैं, गलीचे तैयार करते हैं। इसके अलावा इन्हें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज ये अपने हाथों का इस्तेमाल गुनाह करने की बजाय पढ़ने लिखने व हुनर सीखने में कर रहे हैं। और आज जो ये हुनर सीख रहे हैं उसका असल फायदा तब नजर आएगा जब इनके कदम जेल की कोठरी से बाहर पड़ेंगे और ये बजाय गुनाहों के दलदल में फंसने के अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे। देखा देखी महिला कैदी भी कहां पीछे रहने वाली थी, ये भी जमीन पर बैठकर अक्षर ज्ञान हासिल करने लगी, हाथ बटाने लगी इनकी अर्चना नाम की स्वयं सेविका। आम तौर पर कमजोर समझी जाने वाली लड़की के मिथक को भी अर्चना ने तोड़ा है। आखिर क्यों ये बिना किसी लाभ के वो भी जेल में महिलाओं का हाथ पकड़कर अक्षरों के जरिए ही सही बाहरी दुनिया में ले जाना चाहती है? यहाँ के जेलर जो है उनसे बात की कि यहाँ पे साक्षरता क्लासेस चलाई जाए तो यहाँ की जो महिला कैदी है वो पढ़ लिख के अपना समय व्यतीत भी कर सके और यहाँ से निकलने के बाद आगे कुछ आर्थिक रूप से भी संपन्न हो सके और अपना जो ये विकास कर सके, इसीलिए हमने यहाँ पर साक्षरता क्लास चलाने का विचार हमारे मन में आया। जिन महिला कैदियों को पढ़ने लिखने का मौका मिला आज उनके चेहरे पर एक विश्वास से भरा खुशी का आलम है जिसकी सच्चाई बयान करते हैं ये चंद अल्फाज। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम मतलब अपने हाथों से चाहते हैं कि हम चिट्ठी पत्र भी लिख सके यहाँ से, मतलब हम अच्छा पढ़ लिख के बने, मतलब अच्छे इंसान बन सकते हैं साथ, ताकि अपने बच्चों को भी सुधार सकते हैं। बड़े बूढ़ों के साथ साथ धन्ने मुन्ने बच्चों को भी स्कूली शिक्षा दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि भविष्य में निरक्षरों की जमात पैदा न हो सके। खास तौर से इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया, पढ़ाने के पुराने ढांचे में सुधार कर उसे मनोरंजक बनाया गया जिससे कि बच्चों का शिक्षा के प्रति उत्साह व लगाव बरकरार रहे। 3 साल तक जिले में चले साक्षरता अभियान का नतीजा ये हुआ कि यहाँ के 15 से 35 आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर लोग अक्षर ज्ञान पा गए। लेकिन साक्षरता अभियान का मकसद केवल सदियों से अक्षर ज्ञान से वंचित लोगों को क ख ग बतलाने तक ही सीमित नहीं था बल्कि लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करना भी था। कारण कि लोग आत्मनिर्भर हो सकें, कल किसी दूसरे के मोहताज न रहें, साक्षरता कार्यक्रम में निरंतरता बनी रहे और जो लोग किसी कारणवश साक्षरता कक्षा में आना छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से अभियान के साथ जोड़ने के लिए 2 साल पहले इंदौर में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नए नए अनूठे तरीके अपनाए गए, जगह जगह जन विकास केंद्र खोले गए जहां पर नवसाक्षरों के लिए अखबार, मनोरंजन और खेलकूद की सामग्री मौजूद होती, इससे उनका दिल भी लगा रहता। इंदौर में चले साक्षरता अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि महिलाओं ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल लक्ष्य समूह की 90,000 में से करीब 74,000 महिलाओं ने साक्षर होने का गौरव हासिल किया है। जब महिलाएं आगे आईं तो स्वाभाविक था कि ज्यादा फायदा इन्हें ही मिलता। यही वजह रही कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने पर भी खासा जोर दिया गया, सिलाई कढ़ाई का केंद्र खोला गया जहां पर महिलाएं पढ़ने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखती। पढ़ाई के पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी और पढ़ाई के बाद में सिलाई वलाई सब कर लेती हूं। केंद्र में ही महिलाएं छोटी मोटी बचत करके पैसे भी बचाती हैं। भला साक्षरता कक्षा में आने से पहले ये ऐसा सोच सकती थी? आखिर पढ़ाई लिखाई के बदौलत आई चेतना कहीं तो नजर आती। पढ़ने लिखने से ज्ञान आगे बढ़ता है, अपन कहीं भी चले जाएं तो कहीं कुछ बोर्ड लगा अपन रास्ता भूल गए तो फिर उस बोर्ड को अपन पढ़ के अपने घर वापस सीधे आ सकते हैं और कभी कोई अपने हिसाब में अपने साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इन्हें पहले जब अंगूठा लगाते थे आज सिग्नेचर करके अपना जो भी काम होता है सिग्नेचर करके करते हैं, अंगूठा लगाने से तो बच जाते हैं ना कम से। मुझे हर तरह से सुविधा मिल गई है,
क्योंकि मैं बाहर निकली ना जब पढ़ने के लिए, तो मुझे उन लोगों ने इतनी बोलने की हिम्मत और ताकत दे दी कि अपन अपनी शक्ति से मतलब आदमी का मुकाबला कर सकता है। आजकल नारी क्या नहीं करती, सब कुछ कर सकती है। दूसरी कई समस्याओं से घिरे इंदौर में फैली निरक्षरता को दूर करना एक महान चुनौती थी, पर एक लोकप्रिय जन अभियान के जरिए निरक्षरता को जड़ से मिटाने की जो कोशिश हो रही है वो काबिले तारीफ है। सफलता का सूरज उगने में अभी भले ही देर है, मगर आधी रात तो ढल चुकी है और बस प्रातः की लालिमा छाने वाली ही है। कई बार सवाल उठती क्या अभियान शुरू करने के बाद उस पर से ध्यान कम हो जाता है, अभियान ठीक चल रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए की जाती है मॉनिटरिंग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जिन जिलों में साक्षरता अभियान प्रारंभ किया जाता है उन सभी से इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि मॉनिटरिंग का एक अच्छा सिस्टम वो अपने यहाँ अपनाएं। और मॉनिटरिंग में मुख्यतः उद्देश्य ये नहीं है कि आंकड़े एकत्रित करना है या कोई लक्ष्य प्राप्त करना है जिसके लिए जो है वो हम निरंतर एक फील्ड से इंफॉर्मेशन सूचना एकत्रित करने का है। मॉनिटरिंग का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित किया है वो ये है कि क्योंकि ये सभी साक्षरता अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम को अभियान को किस प्रकार से फैसिलिटेट किया जाए जिससे वो सुचारू रूप से पूरा अपनी अवधि में चलता रहे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। मॉनिटरिंग के अंदर न केवल विभिन्न गतिविधियां जैसे कि वातावरण निर्माण, ट्रेनिंग, प्राइमर्स डेवलपमेंट और टीचिंग लर्निंग पठन पाठन का कार्यक्रम, यह सभी कार्यक्रम अपने समय पर पूरे हों और इनमें आने वाली समस्याओं का समय रहते हुए उपाय किया जाए जिससे कि ये कार्यक्रम अपनी निश्चित अवधि में पूरा हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अब एक नई प्रक्रिया अपनाई है। पहले शुरू में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सीधे सभी जिलों की मॉनिटरिंग किया जाता था, अब जो है एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाई है जिसमें कि हम लोगों ने जो राज्य स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय हैं उनको उनका काफ़ी सहयोग लिया है। हर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को एक ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो अपने राज्य में प्रत्येक जिले में जहाँ पर साक्षरता अभियान चल रहा है उनसे एक निश्चित प्रोफॉर्मा के अंदर इंफॉर्मेशन सूचना हर जिले से एकत्रित करें।